रहे थे कि हमने पूरे घर को ना घसा है, घसने के बाद वाइट पेंट मारा है। और एक काम हमने शाम का खाना ना खाने के बाद बच्चे सो गए 10 बजे स्टार्ट किया था, अभी टाइम हो रहा 3:43 रात का, सब लोग सो चुके हैं, हमने ये वाइट मार दिया अपना। और सुषमा बना रही है अभी वो कॉर्नर, मैंने कोशिश किया कि बनाओ लेकिन मेरे से बाहर कलर निकल गया, बहुत बेकार लगने लगा था। उधर पक्की आओ मैं ब्रश डुबा के सुषमा को दे रहा, ऊपर का सीलिंग मैंने पूरा किया, नीचे का सुषमा ने सब किया। क्यों हंस रही हो? ऊपर मार रहा था तो शर्ट पे क्या पेंट गिर रहा था, इसलिए मैंने पहन लिया। ये शर्ट तो मैंने स्पेशल पेंटिंग के लिए ही रखा था, उसके बाद फेंका जाएगा। बाहर देखो सब लोग सो चुके हैं, यहाँ है जहाँ सो गई सारी मंजिल। टाइम ऑलमोस्ट 5:30 होने वाला है, 5:30 सुबह के। सुषमा तो जब गई सो, सारा पेंट हमने कर दिया, लेकिन क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है। हमने सोचा संस्कृति को सरप्राइज देंगे, लेकिन वो बाथरूम जाने के लिए अभी उठी तो देख लिया सुषमा सो गई, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अब कब उठेंगे पता नहीं। नींद पूरी नहीं होने वाली, अभी नींद जबरदस्त आ रही है, लेकिन ये देख के इतना मज़ा आ रहा है, इतना खुशी हो रही है ना, जबरदस्त दिख रहा भाई, मज़ा आ गया, अरे मस्त दिख रहा है। मैं जोर से बोल नहीं रहा हूँ कि रात को सब सोए होंगे भी, लेकिन जबरदस्त दिख रहा है। तो लेकिन क्या दिख रहा है यार, ब्यूटीफुल, आई लव दिस। हमने जब मारा तो सर बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे कलर चढ़ रहा है ना, मतलब खिलते जा रहा है। अभी सारे घर को पेंट करेंगे, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में करके बताना मुझे। चलिए गाइज मिलते हैं आपको सो के उठने के बाद, जब भी उठेंगे। चलिए बाय बाय। तो गाइज टाइम आई थिंक, बेटा टाइम कितना हुआ संस्कृति? 1:29 मतलब 1:30 होने को आया है। अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए, यही कपड़े पहन के सो गया था मैं। अभी पीछे आप देख रहे हो कलर दिख रहा है, हमारा घर कलरफुल दिख रहा है अभी मस्त। कपड़ा इसलिए नहीं निकाला कि फिर से मैं उठा, ब्रेकफास्ट किया, ब्रश किया, और ब्रश क्या किया, ब्रश तो किया ही नहीं, ब्रश ही नहीं किया मैंने, खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया 1 बजे ब्रेकफास्ट। वाह, अभी मैं जा रहा हूँ किचन का घसाई करने के लिए, क्योंकि किचन बहुत गंदा, काला ब्लैक हो गया यार, पूरा घसते हैं मंदिर इधर। और यहाँ से बाहर का व्यू देखो, वाह, आज मौसम एकदम क्लीन है, आज बारिश नहीं धूप भी है। काम करने जा रहे हैं लेकिन नींद आँखें बंद हो रही है। बहुत धूप है गाइस, बहुत धूप है, अंदर ही अच्छा, अंदर ठंडा लग रहा थोड़ा, एक तो नींद पूरी नहीं हुई आज। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया, कि पहले मैंने सोचा कि पतरा मार दूं, अरे पेपर से घसूं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत जा रहा था, तो मैंने क्या किया इसको भिगोया सर्फ में, सर्फ डाला, क्लीन कर दिया, ब्लैक ज़्यादातर निकल गया, आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। उसके बाद पेंट मारूंगा ऊपर बेडरूम में। पहले मम्मी गई हो, बेबी को लग गया चोट, बेबी के पैर में पता नहीं सूजन क्या हो गया, फूलते जा रहा है, इतना मारने के बाद भी काला ही दिख रहा है। अरे देखो क्या किया इसने, क्या है पता नहीं, चॉकलेट क्या करती हो बेटा, कितनी मस्त है, ज्यादा नहाने का मन करता है क्या दीपू? चलो हम अपना पेंट कंटिन्यू चालू करते हैं, खाना भी बन गया, पहले खाना खा लेते। वाह सही, तो मस्त लग रही है, एक ही ब्रश एक ही ग्रह से दोनों पे सुषमा मार ली, तुम्हें मारूंगा यहाँ से मस्त दिख रहा है, जैसे आगे जाऊंगा रोना चालू करेगी पापा, ये मैंने मार दिया मस्त है, तो चिल्ला रही क्या हुआ? मैं इधर ही बेटा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। रात में अच्छा रहता है गाइस, कोई बच्चे सब सोए रहते हैं मस्त मार देते। अभी ये पापा उधर, पापा अरे वो भी पड़ जा रही थी को दी।
भाई रात का 11 बजने वाला है, पूरा दिन, कल पूरा रात, आज पूरा दिन। पूरा ये व्हाइट पेंट कर दिया मैंने, अब इसमें ग्रीन पेंट मारना है। हालत देखो मेरी कैसा बन गया हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ब्रश नहीं किया हूँ और अभी तक नहाया नहीं सुबह से लेके। गाय इतना मस्त नींद आने वाली आज ना, सुकून की नींद आएगी। थकने के बाद जो सोने का मजा आता ना, उसका अलग ही आता है। ऑलमोस्ट 24 आवर हो गया है काम करते करते, चलो स्टार्ट करते हैं। ये डार्क ग्रीन कर दिया, अरे सुषमा के साथ मिलके थोड़ा सा लाइट ग्रीन, अरे सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, नींद न दे पागल हो गया हूँ क्योंकि हालत ख़राब हो गया। ये डार्क पिंक, डार्क पिंक या मस्त लग रहा है यार। और साइड साइड में हमने ना ये पूरा साइड साइड में लाइट पिंक किया है। अभी किचन बाकी है करने के लिए ग्रीन कलर। हिम्मत थोड़ा भी नहीं पड़ रही, सुबह होने वाला है, अभी ऑलमोस्ट 3 o'clock हो रहा है, 3:15 होने को हो गया होगा। सुषमा गई सोने के लिए, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत थकान हो चुकी है, अब जा रहा हूँ सोने के लिए। चलो अभी सोते हैं। मस्त दिख रहा है यार, ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम हमने घर लिया था, उसके बाद पहली बार पेंटिंग किया अपने हाथों से, अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस सोते हैं, गुड नाइट, कल सुबह ऑफिस जाना है। आई थिंक मुझे सोने को मिलेगा सिर्फ 1-1.5 घंटा, उसके बाद ऑफिस में पता नहीं कैसे काम करूँगा, सो के काम करूँगा, तो फिर चलता हूँ। सुषमा तो सो गई होगी। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी मॉर्निंग में, शायद हिम्मत रही तो। अभी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरी यार। टाइम हो रहा 3 बज रहा है सुबह का, मतलब मॉर्निंग का 3 o'clock रात। और मैं समझ लो 11 बजे से लगा हुआ ऑफिस गया था। सुषमा सोई है क्योंकि उसको फीवर आ गया है। मैं अकेला कर रहा हूँ किचन का, तो मेरे हाथ कैसे हो गए यार, थकान हो रही। कलर देख के ना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर सोएंगे। 4 बजे तक सोऊँगा, 5-6 बजे जग जाऊँगा 2 घंटे, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है। तो आजकल ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाने का ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, सीधा आता हूँ, थका रहता हूँ, पेंटिंग करते हुए बना रहा हूँ। तो गाइस अभी मेरा कंप्यूटर गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने, मेरी हिम्मत नहीं है अभी। बाकी ऑलमोस्ट हमारा फाइनल काम घर के अंदर का हो चुका है, इस बात की खुशी है, लेकिन खुशी मेरे चेहरे पे नहीं झलक रही है क्योंकि मैं थक चुका हूँ। पेंटिंग हो जाए फिर बच्चों के साथ खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। दिव्यांशु भी बहुत खुश होती है देख के कलरफुल। तो चलिए गाइस सोते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।